नमस्कार, दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हितोपदेश की कहानी सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है लालच बुरी बला है। बहुत पुरानी बात है, कल्याण नगर में भैरव नाम का एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन धनुष बाण लेकर वन में शिकार के लिए जाता था और जंगली जानवरों का शिकार करता था। यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। एक दिन भैरव शिकारी ने वन में सदा की तरह एक मृग का शिकार किया। मृग बड़ा ही हृष्ट पुष्ट था। शिकारी उसे अपने कंधे पर लाद कर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने अभी आधा रास्ता ही पार किया था कि एक वन सुअर ने उस पर आक्रमण कर दिया। जैसे तैसे शिकारी ने उसका सामना किया और अपने तीर से उस सुअर को मार गिराया, परंतु इस लड़ाई में वह भी भीषण रूप से घायल हो गया और अंततः उसके भी प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। संयोग से उसी समय एक गीदड़ निकला। मार्ग में तीन ताजी लाशें देखकर गीदड़ का मन प्रसन्नता से भर गया। वह मन ही मन प्रसन्न होता हुआ सोचने लगा, इतना सारा भोजन एक साथ, अब तो तीन चार मास तक भोजन की चिंता से छुटकारा मिल गया। उसका लालच वहीं कम नहीं हुआ। वह सोचने लगा, इस विशाल मात्रा में प्राप्त भोजन को आराम से महीनों तक धीरे धीरे हिसाब से ही खाऊंगा। यही सोचकर उसने धनुष की खींची हुई चमड़े की प्रत्यंचा को ही खाना शुरू किया। जैसे ही प्रत्यंचा का कुछ हिस्सा उसने खाया और वह नाजुक होकर तनाव से छूटा, धनुष का कोन उसके जिगर में यानी हृदय में घुस गया। वह भी तड़प तड़प कर वहीं मर गया। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग अधिक जमा करने के लालच में अपनी बुद्धि खो देते हैं, वे उसका उपभोग तो कर ही नहीं पाते हैं और गीदड़ की भांति उन्हें भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। धन्यवाद।